चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 की खास बुलेटिन पर। नवादा में स्वास्थ्य प्रमाण देने के बाद भी अपने घर नहीं जा सके क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले 35 लोग। डीएम ने 23 अप्रैल को सभी लोगों को वस्त्र और अन्य सामान देकर किया था सम्मानित। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीना की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की गई आयोजित। नवादा जिले को हर हाल में सुरक्षित रखने व मुकम्मल इंतजाम का दिया गया निर्देश। नवादा के पकरी बरावा थाना के जोड़ी गांव में दो गुटों में झड़प, कई लोग घायल, अजीत चौरसिया सहित कई लोग गिरफ्तार। हाजीपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपायों के साथ पूर्व मध्य रेल द्वारा निर्माण परियोजनाओं तथा रेल विकास से संबंधित कार्य जारी। पटना के गौरीचक स्थित पुनपुन नदी में रविवार को इतवारी छठ पूजा को लेकर स्नान के लिए उमड़ी बेतहाशा भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ाई गई धजियां। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर 5 लोगों को बुरी तरह घायल किया था, लेकिन अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त से है बाहर। लॉकडाउन होते हुए भी बिहार में घट रही आपराधिक घटनाओं को लेकर डीजीपी से मिलेंगे बिहार मुक्ति मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार तांती। लेके जो हत्या हो रही है इस मुद्दे के लेके लॉकडाउन के बाद डीजीपी साहब से मिलने का हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं। अरवल जिले के कुर्था में कोरोना मरीज के संपर्क में आए सभी संदिग्धों की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। बिहार में कोरोना तेजी से पसार रहा पांव, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 290। पटना सिटी के बाजारों में लग रही बेतहाशा भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सब्जी मंडी को कराया बंद, लोगों की भीड़ पर पुलिस की है पैनी नजर।